गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बालको, आप सभी का हमारे JMD क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल JMD IAS एंड SSC क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। आपके सुनहरे भविष्य में हम लोग से जितनी मदद हो सकती है, हर मदद करने के लिए हम तैयार हैं। पर एक सच्चाई है, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपके अनुसार आपको सफलता नहीं मिलेगी। यह पूरे विश्व के लिए वैलिड है। मेहनत तो हमें स्वयं करना है, ठीक है। चलिए, रीजनिंग का जो हमारा टॉपिक है, यह हमारा है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर का मतलब होता है कि हमें प्रीवियस दो हमारे पैटर्न दिए हुए हैं, तीसरे पैटर्न में कोई भी एक नंबर हमसे पूछेगा, ठीक है। जैसे हमारा ये ऑप्शन दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 42, 37 और यहाँ पे 17। दूसरा हमें दिया हुआ है यहाँ पे 11, यहाँ 84 और यहाँ 13। थर्ड हमारा दिया हुआ है यहाँ 74, यहाँ 93 और यहाँ मिसिंग है। हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें ऑप्शन देखना है। हमने ऑप्शन देखा 41, 42, 44, 46, यानी सारे नंबर 40 से लेके 50 के बीच में है, ठीक है। हमने देखा कि अपर पार्ट में दो नंबर है और नीचे पार्ट वाले मिसिंग है। तो हमें यह पता करना है कि आखिर ये नीचे वाले पार्ट्स लाने का तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। हमने देखा कि यहाँ 42 है, 37 है, इसको आपस में प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, यह 17 आने वाला नहीं है। यानी हमारा चार ही अप्रोच होता है, या तो हम प्लस करके निकालेंगे, या माइनस, या मल्टीप्लाई, या डिवाइड, या स्क्वायर, या क्यूब। पर ये सारे पैटर्न हमारे फेल हो रहे हैं। इसमें से कोई भी दो पैटर्न एक साथ हो सकता है, फिर दूसरा कोई भी पैटर्न एक साथ हो सकता है। तो हमने जो पैटर्न सोचा वह पैटर्न हमारा इसमें नहीं बैठ रहा है, यानी थोड़ा सा यह यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। हमने क्या किया, इस दोनों नंबर को सबको आपस में प्लस करते हैं। यानी कैसे, यहाँ 42 है तो हम यहाँ लिखेंगे 4 + 2 और यहाँ 37 है तो लिखेंगे 3 + 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 + 4 16। अब इस दोनों को पुनः आपस में प्लस करेंगे, 1 + 6 7। इस दोनों नंबर को आपस में प्लस करेंगे, 1 + 7 = 8। अब इस दोनों नंबर के बीच देख रहे हैं कितना का डिफरेंस है, 1 का। यानी यहाँ पे 8 - 7 कितना डिफरेंस आ रहा है, 1। अब इस दोनों नंबर को आपस में प्लस करेंगे, जैसे देखिए यहाँ 1 1 है तो 1 + 1, यहाँ 84 है यानी 8 + 4, तो देखिए 8 + 4 12, 1 13 और यह 14, यानी कितना आ गया, 14। अब इस दोनों को पुनः आपस में प्लस करो, 1 + 4 = 5। अब इस नीचे वाले को आपस में प्लस करो, 1 + 3 यानी कितना आ गया, 4। अब आप देखें कि इस दोनों नंबर के बीच डिफरेंस कितना है, 1, यानी 5 - 4 = 1। यानी हमने देखा कि ये दोनों जो नंबर है, ये अपर पार्ट्स को इंडिविजुअली एक एक को आपस में प्लस कर रहे हैं, नीचे वाले को आपस में प्लस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इस दोनों के बीच क्या गैपिंग आ रहा है। गैपिंग क्या आ रहा है, 1। इसमें भी सेम पैटर्न किया, 1। अब इसके लिए भी करेंगे, यहाँ 7 4 है तो लिखिए 7 + 4, यहाँ 9 3 है तो 9 + 3, तो 9 + 3 12, 12 + 4 16, 16 + 7 23।
अब इस 23 को आपस में प्लस करो, 2 + 3 यानी कितना आ गया 5। अब नीचे हम वही नंबर लिखेंगे जिसको प्लस करने के बाद या तो 4 आए या 6 आए, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 5 है, 6 आएगा तब भी दोनों के बीच डिफरेंस 1 रहेगा। यहाँ जो भी नंबर है उसको प्लस करने के बाद 4 आएगा तो 5 और 4 के बीच भी 1 का डिफरेंस है। अब इसके लिए ऑप्शन देखिए, 4 + 1 = 5, यहाँ 5 है ये नहीं होगा, 4 + 2 = 6, 4 + 4 = 8, 4 + 6 = 10। तो 10 में से 5 को माइनस करेंगे 5 होगा, 1 नहीं आ रहा है। 4 + 4 = 8, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 हो रहा है, नहीं आ रहा है। यानी 4 + 2, अगर नीचे यहाँ पे हम 42 लिखें तो प्लस करो 4 + 2, ऑप्शन कितना आ गया 6। अब 5 और 6 के बीच कितना डिफरेंस है, 6 - 5 = 1, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 42, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया सही। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमें दिया हुआ है, यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, यहाँ 32 है, यहाँ 9 है, यहाँ 18 है, यहाँ 36 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है और यहाँ मिसिंग है। हमने आपको बताया था सबसे पहले हमें किसको देखना है, ऑप्शन को देखना है। हमने ऑप्शन देखा 30, 40, 24 और 32। अब हमें देखना है कि ये लोअर पार्ट है या मिसिंग है, पर यहाँ दोनों लोअर पार्ट्स दिया हुआ है। अब हमें देखना है कि आखिर ये लोअर पार्ट्स इस दोनों को किस तरह का रिलेशन इसके साथ बन रहा है। हमने देखा यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, यहाँ 32 है। 8 का मल्टीपल 8 × 16 और 16 × 32, 9 × 18, 18 × 36, 10 × 20, 22 × 40। यानी हमें एक पैटर्न मिल गया, यानी 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है 16। अब पुनः इस 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है 32, यानी लोअर पार्ट आ रहा है। इसमें भी 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 18, और 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 36। सेम थिंग्स इसमें भी कर देंगे। अगर यहाँ 10 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 20, और यहाँ 20 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 40। इसका मतलब है कि हमने जैसे पैटर्न फाइंड आउट किया, पैटर्न फाइंड आउट करने के उपरांत हमें आंसर आसानी से मिल जाएगा। यही रीजनिंग का तो कमाल है। रीजनिंग कोई पार्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट से नहीं बनता है। इसका एक ही मतलब है कि हम ऐसा पैटर्न फाइंड आउट करें ताकि आप समय लें और आपका समय क्या हो, किल हो, समय खराब हो, समय आप ज़्यादा लें ताकि आपका सिलेक्शन ना हो। तो हम कम समय कब लेंगे, जब हम जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं अप्रोक्सीमेट उन सबको हम मोर देन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।